કિમમાં ચિરાગ વિદ્યા સંકુલ ખાતે નવરાત્રી મહોત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી, જેમાં સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓ ગરબાના તાલે ઝૂમ્યા હતા. इस नवरात्रि का शुभकामना देता हूँ. हमारे विद्यालय में इस नवरात्रि के उपलक्ष्य में गरबा का आयोजन किया गया है, जो विश्व प्रसिद्ध नृत्य है. यह जब से स्कूल प्रारंभ हुआ है तब से लेकर के आज तक चलता रहा है, जिसमें हमारे बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और शुरू से लेते आ रहे हैं. इसमें हमारे शिक्षक मित्रों ने भी बहुत योगदान किया है, मैं उन सब का आभार व्यक्त करता हूँ. और इसके साथ ही उन सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन लोगों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए पूरे विश्व में इस देश का नाम रोशन किया है. साथ ही डी चैनल, जिन्होंने जन जन तक पहुँचाने के लिए यह प्रोग्राम, यह चेतना जो साहसिक कार्य किया है, उसको उनको भी मैं साधुवाद देता हूँ और उनको भी इसके लिए धन्यवाद देता हूँ. हमारे विद्यालय में लगभग 500 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और 40 शिक्षकों ने आज इस आयोजन में सम्मिलित हुए हैं. नवरात्रि माँ भवानी का यह पर्व पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन इस पर्व के साथ रास गरबा सिर्फ गुजरात में ही होता है. अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से मनाने का कार्य किया जाता है. नारी शक्ति की प्रतीक माँ अम्बे की पूजा हर जगह होती है, जिसके लिए आज हमारे विद्यालय में जो आरती का कार्य किया गया हमने हमारे बच्चियों से कराया. यह तो कहने को मिलता है कि बहुत सारे लोगों के कि नारी शक्ति महान है और उन्हें बराबर का दर्जा दिया गया है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारा देश पुरुष प्रधान देश है, जो नारियों को उचित सम्मान देता नहीं है. इस चीज़ को बताने के लिए आज हमने हम सभी मित्रों ने मिलकर के अपने बच्चों को आगे लाने के लिए यह आयोजन बच्चों के माध्यम से और स्पेश बच्चियों के माध्यम से करने का कार्य किया है. આજ ને અમારી શાળામાં નવરાત્રી નિમિત્તનો પ્રોગ્રામ કરવામાં આવ્યો છે. નવરાત્રી એટલે કે અમારો જે રીતે આપણા રાસ તહેવાર નવરાત્રી સ્પેશિયલ હોય છે, એ રીતે આજે અમારી શાળામાં પણ નવરાત્રી સ્પેશિયલ થઈ રહ્યું છે. નવરાત્રીમાં દરેક લોકો પૂજા કરતા હોય છે, ઉપવાસ પણ કરતા હોય છે, આઠમના દિવસે પૂજા પણ કરવામાં છે. એ જ રીતે આજે અમારી શાળામાં આઠમના દિવસે નવરાત્રી નિમિત્તનો પ્રોગ્રામ થઈ રહ્યો છે. દરેક વિદ્યાર્થીઓ આ નવરાત્રીમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે અને ગરબા રમી રહ્યા છે. દરેક વર્ષે જેમ દર વર્ષે નવરાત્રી નિમિત્તનો પ્રોગ્રામ થાય છે, એ રીતે જ આજે અમારી શાળામાં પણ નવરાત્રી નિમિત્તનો પ્રોગ્રામ થઈ રહ્યો છે. આરતી પણ થઈ રહી છે અને પૂજા પણ કરી રહી છે.